अंतस योग में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको मोटापे से बचने के लिए एक्सरसाइज के साथ साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाइट टिप्स बताएंगे। पहला है भुजंगासन। श्वास को भरते हुए धीरे से कमर को उठाते हुए साइड से देखिए पीछे। दरअसल मोटापा सिर्फ सुंदरता को ही कम नहीं करता अपितु शरीर को बीमारियों का घर बना देता है। एक अच्छी पर्सनालिटी की पहचान स्वस्थ शरीर में होती है, लेकिन बिजी लाइफस्टाइल के चलते आजकल सभी अपनी फिटनेस का खास ख्याल नहीं रख पाते। मोटापे को कम करने के लिए जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं, ज़रूरत भी है या नहीं। सेकेंड पोज, पेट के बढ़ते हुए मोटापे को तेजी से कम करने के लिए दोनों हाथ से दोनों पैर के टखने पकड़ते हुए श्वास को भरते हुए खींचिए ऊपर की तरफ। 8 से 10 बार प्रतिदिन इसका अभ्यास पेट की चर्बी को कम करने के लिए। वैसे तो हर व्यक्ति की शारीरिक संरचना और उसके द्वारा की जाने वाली मेहनत के हिसाब से खान पान की आवश्यकता अलग अलग होती है, लेकिन शरीर थके नहीं और दिमाग सुचारू रूप से कार्य करें उसके लिए प्रतिदिन एक व्यक्ति को 1200 से 1800 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हमें वेट लॉस करना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दिन भर की कैलोरीज 1200 से ऊपर ना हो, यानी 1200, 1000 से 1200 के बीच में हमें प्रतिदिन कैलोरीज लेनी है। बॉडी शेप के लिए तीसरा महत्वपूर्ण पोज, एक हाथ से पैर का टखना पकड़ते हुए दूसरे हाथ को सीधा करके श्वास को भरते ऊपर की तरफ खींचिए दोनों तरफ से 5-5 टाइम्स। साथ ही साथ मोटापे को कम करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट टिप, भूख लगने पर खाएं, दूसरा भूख रख कर खाएं, यानी अभी हम और भी खा सकते हैं लेकिन उठ जाएं, यानी पेट को थोड़ा सा खाली छोड़ दें। मतलब ये है कि खाना खाने के बाद भी आपको भूख लगती रहनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली इसके विपरीत होता है। खाते हुए हम अपने ही हाथों को रोकने में असमर्थ होते हैं, जबकि हमें पता होता है कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हम तब तक खाते रहते हैं जब तक कि पेट पूरा नहीं भर जाता। इससे आपका कभी भी वज़न कम नहीं होगा। थोड़ी सी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए और इस टिप को अपना कर देखिए। भूख रख कर खाएं, यानी आप और भी खा सकते हैं, और भूख लगने पर खाएं, बेवजह नहीं कि चीज़ सामने पड़ी हुई और हम खाए जा रहे हैं। इस आदत को रोकिए और फिर देखिए आपका वेट लॉस होता है या नहीं। पिछले भाग में ब्रेकफास्ट तक की बात हो चुकी है, ओट्स का चीला। अब बारी आती है लंच की। अगर आप वाकई वेट लॉस करना चाहते हैं तो अपने लंच की शुरुआत एक प्लेट सलाद से कीजिए। 5 मिनट तक चबा चबा कर सबसे पहले सलाद से अपना पेट भर लीजिए। उसके बाद एक स्टफ चपाती आलू की या गोभी की ले सकते हैं, साथ में एक कटोरी दही ले सकते हैं, यानी कि आपको अपना 50% पेट सैलेड से भरना है। ये वाला टिप आप एक दिन छोड़ के एक दिन स्टफ चपाती लीजिए, दूसरे दिन मल्टीग्रेन 2 चपाती विद ग्रीन वेजिटेबल। लेकिन एक ज़रूरी बात, वज़न कम करते समय पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि आपका ये वज़न 2 दिन या 2 महीने का बढ़ा हुआ नहीं है। ये एक लंबे समय से चलती आ रही आपकी लाइफस्टाइल का नतीजा है। डाइट के साथ साथ ये जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, इन एक्सरसाइज को 20 मिनट प्रतिदिन ज़रूर कीजिए और देखिए वेट लॉस का रिजल्ट। इस प्रकार बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। अंत में एक ज़रूरी बात, एक व्यक्ति को वज़न कम करने के लिए 2000 कदम के आसपास चलने की ज़रूरत होती है। आप इस बात को समझ लीजिए कि एक मील में आपकी 100 कैलोरीज बर्न होती हैं, लेकिन अगर आप 10,000 कदम थोड़े अंतराल पर भी चलने की आदत को बना लेते हैं तो आपका वज़न तेज़ी से घटना तय है। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अंतस योग,
स्टफ चपाती खाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।